नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। नजर आते हैं आज की पांच बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक फैसला सुनाया है। अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 15 साल से अधिक कम उम्र की पत्नी से यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी पति की जमानत अर्जी मंजूर की है। इस मामले में पति और दहेज के लिए प्रताड़ित करने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 375 में 213 में संशोधन हुआ है, ऐसे में ये दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सादिकबाद जिले में मंदिर में की गई तोड़फोड़ पर प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान आया है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि उनकी सरकार मंदिर की मरम्मत कराएगी। दरअसल भोंगा शरीफ गांव के सिद्धि विनायक मंदिर में बुधवार शाम को उपद्रवियों की भीड़ घुस गई थी। इस दौरान मंदिर के अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा कि रहीम यार खान के भोंग में गणेश मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने पहले ही आईजी पंजाब को सभी दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मामले में अगर पुलिस की किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है कि केंद्र सरकार का किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया को जवाबदेह बनने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए लगातार परामर्श जारी किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। कुछ उपयोगकर्ता नफरत और घृणा फैलाने के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य कोई माध्यम भारतीय लोकतंत्र को नष्ट नहीं कर सकता। लखनऊ के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम युवा और युवतियों की गैर मुस्लिमों से निकाह को शरीयत में अवैध करार दिया है। बोर्ड के कार्यवाहक महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि एक मुस्लिम लड़की केवल मुस्लिम लड़के से ही निकाह कर सकती है। अगर गैर मुस्लिम से निकाह हुआ तो वो शरीयत के अनुसार वह वैध नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की निर्यात स्थिति पर भारतीय मिशन प्रमुखों, केंद्र और राज्य के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी समेत निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इस संबोधन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार में भारत के निर्यात के हिस्से को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही देश की निर्यात क्षमता का विस्तार करने और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय क्षमताओं का उपयोग करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को प्रोत्साहित करना है। देखिए आज की पांच बड़ी खबरें। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए अच्छा न्यूज़।